हाय गाइस, वेलकम टू इन सक्षम प्रतियोगिता चैनल। गाइस, आज मैं आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वैज्ञानिक यंत्र और इसके यूजेस के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एसएससी बैंक, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी टेट, सी टेट और काफ़ी एग्जाम्स के लिए, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको इस टॉपिक को ध्यान से देखें और इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। अमीटर, अमीटर जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, एम्पियर इसका मात्रक है इलेक्ट्रिक करंट का। अल्टीमीटर एयरक्राफ्ट की हाइट को मापने के लिए, यानी कि कितनी ऊंचाई पर है उसकी हाइट को मापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए, यानी कि हीट की क्वांटिटी को मापने के लिए। फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए, यानी कि डेप्थ को, कि समुद्र की गहराई कितनी है उसको मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता को मापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रिसिटी मापने के लिए, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता यानी कि प्योरिटी ऑफ मिल्क को मापने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। बाइनोकुलर इट इज यूज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दूर की वस्तुओं का व्यू देखने के लिए बाइनोकुलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑडोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल्स, यानी कि वाहनों के द्वारा चली गई दूरी को ऑडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और रडार रेडियो माइक्रोवेव से प्लेन की डायरेक्शन एंड रेंज का पता लगाने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप टू मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी वस्तुओं के व्यू को मैग्नीफाई करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। सालिनोमीटर विलयन की लवणता की मात्रा को मापने के लिए सालिनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टमीटर टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव को मापना, यानी कि इसमें वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, इस अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं का व्यू देखना, यानी कि इसमें भी टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर टू मेजर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन, यानी कि पर्टिकुलर टाइप जो रेडिएशन है उसका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को मापना होता है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। स्फेग्नोमैनोमीटर टू मेजर ब्लड प्रेशर बीपी को मापना, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर का, यानी कि बीपी को चेक करने के लिए, मापने के लिए। स्टेथोस्कोप इसका भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं टू हियर एनालाइज हार्ट एंड लंग्स साउंड्स, यानी कि दिल की धड़कन को सुनना, लंग्स की आवाज को सुनना, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते। थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि जो डॉक्टर इसका थर्मामीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए। थर्मोस्टेट टू रेगुलेट द टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि किसी विशेषकर बिंदु पर टेम्परेचर को रेगुलेट करना, नियमित करना। गैलोनोमीटर टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ लो मैग्नीट्यूड, जो कम मैग्नीट्यूड वाले इलेक्ट्रिक करंट को गैलोनोमीटर मापता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर का जो यूज किया जाता है वो टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापना। सीस्मोग्राफ जो होता है वो टू मेजर इंटेंसिटी अर्थक्वेक शॉक्स, यानी कि भूकंप के झटकों की तीव्रता को सीस्मोग्राफ मापता है, यानी कि इंटेंसिटी को। ऑडियोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को मापना, ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। कार्डियोग्राम टू ट्रेस मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट एंड रिकॉर्डेड ऑन कार्डियोग्राफ, यानी कार्डियोग्राफ पर डॉक्टर जो है हार्ट की मूवमेंट्स को ट्रेस करते हैं। स्पीडोमीटर टू रिकॉर्ड स्पीड व्हीकल, यानी कि व्हीकलों में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है वो व्हीकल की स्पीड को रिकॉर्ड करता है।
मैनोमीटर टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस, यानी गैसों के प्रेशर को मापता है मैनोमीटर। एंडोस्कोप टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी में के अंदर जो भी जैसे पेट हो गया, पेट में अंदर कोई अंदरूनी बीमारियां हैं तो उसको एग्जामिन कर लेता है, चेक कर लेता है एंडोस्कोप। हाइड्रोफोन टू मेजर साउंड अंडर वाटर, पानी के अंदर ध्वनि को मापता है हाइड्रोफोन। मैरिनर कंपास टू यूज बाय सेलर्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं जो नाविक होते हैं, सेलर्स जो होते हैं वो मैरिनर कंपास का डायरेक्शन मापने के लिए यूज करते हैं।